तो भैया कृतिका के सपने तो देखो कितने बड़े बड़े हैं, मतलब इनकी टीम हेड ऑफ द हाउस बनती जाए, बाकी दूसरों को कभी भी मौका ही ना मिले। यहाँ पर साई केतन से बातचीत हो रही होती है उनकी, तो बातचीत में ये कह रही होती है कि मतलब हेड ऑफ द हाउस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कितनी बड़ी है, मतलब कितना बड़ा है। और मैं आपकी चाहती हूँ ना, मतलब कि जैसे कि मैंने प्रेयर करी थी कि अरमान जी को बनाना, भगवान जी अरमान जी को बनाना, अरमान जी बन गए। फिर मैंने प्रेयर करी कि लवकेश और विशाल ना बन पाए और जो है ना रणवीर जी बन जाए, फिर रणवीर जी बन जाए। और फिर जो है ना फिर से बोली होती है कि मतलब सना के पास नहीं जाना चाहिए, मकबूल के पास नहीं जाना चाहिए। अब कि मैं चाहती हूँ, मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि मतलब हम दोनों में से कोई बने, यानी कि साई केतन या फिर मुझ में से कोई एक हेड ऑफ द हाउस बने। उसके बाद साई केतन कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम बनो। फिर उसके बाद बोलते हैं कि रणवीर जी बने। और फिर जो है ना यहाँ पर वो एक्टिंग करके दिखा रही होती है कि सना की के और सना मतलब बनेगी ना तो कैसे करेगी, पता है कि मतलब रणवीर जी को निकालो, अरमान को, कृतिका को, साई को। तो रणवीर क्या बोलते हैं, रणवीर बोलते हैं बिग बॉस को, बिग बॉस मतलब शो थोड़ी ना बंद करवाना है, तो इनको लग रहा है कि मतलब सारा शो इन्हीं की वजह से चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो है ना प्लानिंग इनकी चल रही है कि अगर इस बार हेड ऑफ द हाउस बनने का मौका मिला ना तो फिर साई केतन और यहाँ पर कृतिका मैडम को में से कोई एक बने, इनको मौका ही ना मिले तो मतलब कंटेस्टेंट है ही नहीं, सारे मौके इनको मिले। इनको ऐसा लग रहा है कि वो लोग बनेंगे तो फौरन हमको निकाल देंगे। ये क्या कर रहे हैं, इनके पास मौका आया इन्होंने फौरन नॉमिनेट कर दिया, ये भी नहीं देखा कौन डिजर्व करता है कौन डिजर्व नहीं करता है, उसके हिसाब से रणवीर कर लेते। फिर रणवीर का गेम शुरुआत में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी तो मुझे मतलब वो बंदे भी नहीं पहचान पा रहा है ये देख करके, मतलब एक उम्र के बाद लोग बंदे पहचान लेते हैं ना, वो बंदे भी नहीं पहचान पा रहा है ये देख करके मुझे काफ़ी ताज्जुब हो रहा है। फिलहाल क्या कहना है, क्या लगता है कृतिका मैडम की विश पूरी हो पाएगी या फिर आने वाले टाइम में घर से बेघर होंगी वो। थैंक यू।